नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल वी कुक पर। और आज मैं लेके आ रहा हूँ आप सभी का पसंदीदा मटन रेसिपी। जी हाँ, मैं यहाँ पर देसी मटन बनाया हूँ। देखिए यहाँ से कितने अच्छे से ये पक गया है, और ये देखिए यहाँ पर हड्डी जो है छोड़ रहा है इसका मांस। तो चलिए हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मटन ले लिया हूँ आधा केजी। आप मटन बहुत ही अच्छे से सेलेक्ट कीजिएगा पीस जब आप ख़रीदने जाइएगा। तो मटन का जो आगे वाला पोर्शन होता है, जैसे शोल्डर हो गया या फिर गर्दन हो गया, ये सब पोर्शन बहुत अच्छा ये सब मीट होता है, तो वो सब लीजिएगा। उसके बाद इसको हम लोग धोएंगे, बहता हुआ पानी में इसको धोना है। ठीक है, पानी डाल के इसको मत धोइएगा, क्योंकि धोने से क्या होता है ना, पानी डालने से कि इसमें पानी फिर सोख लेता है, फिर वो फिर आपको स्वाद अच्छा नहीं आएगा। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे मसाला का तैयारी कर रहे हैं। मैं ले लिया हूँ यहाँ पर जीरा, धनिया और गोलकी जिसको काली मिर्च बोलेंगे, फिर यहाँ पे इलायची, फिर एक बड़ी इलायची को हम लोग यहाँ पर तोड़ के हाफ़ उसका ले लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद थोड़ा सा तीन चार लौंग का कली। तो ये मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ। और फिर ये जो है हमारा यहाँ पर वो फूल मैं ले लूँगा, और फिर सूखी मिर्च। इसके अलावा मैं लहसुन और अदरक छील के काट के रख लिया हूँ। अब चलते हैं हम लोग प्याज, ज़रा इसको जल्दी से काट लेते हैं। तो प्याज भी आप आधा किलो में लगभग तीन प्याज आप अच्छे से इसको काट लीजिएगा, तीन से चार डिपेंडिंग ऑन साइज़। तो ये देखिए मेरा प्याज कट के रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी खड़े मसाले मैंने लिए थे उन सबको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगा, ज़्यादा आँच पे नहीं एकदम। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, तवा को पूरा अच्छे से गर्म कर लिया हूँ, और उसमें बस इस तरह करके टॉस कर लूँगा थोड़ा सा। इससे क्या होगा, इसका स्वाद थोड़ा सा ना सोना सोना हो जाएगा, तो आपको और अच्छा लगेगा। चलिए उसको पहले हम लोग उला के फिर उसे ठंडा कर लिए हैं। ठंडा करके अब हम लोग इसे मसाला पीस लेंगे। तो खड़े मसाला के ऊपर से मैं यहाँ पर लहसुन का कली और अदरक और दो हरी मिर्च डाल लेता हूँ। फिर यहाँ पर यह दालचीनी हो गया, बस अब इसे हम लोग जल्दी से पीस लेते हैं। मसाला पीस गया है, देखिए ये हमारा मसाला रेडी है। अब बारी है मटन को मैरिनेट करने की। तो ये मटन में सारा मसाला जो भी हम लोग पीसे हैं इसको हम लोग धीरे धीरे पहले डाल लेंगे सब एकदम अच्छे से। और ये देखिए हम लोग सारे मसाले इसमें डाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा डालेंगे, और बस फिर आप इसे अच्छे से सब तरफ मिला लीजिए, ताकि मटन हर जगह मटन में ये मसाला लिपट जाए। और इस मटन को हम लोग मसाला में इस तरह करके अच्छे से मिला के अब इसे हम लोग आधा घंटा कम से कम इसे हम लोग छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया है, और ये देखिए मटन जो है अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा सब तरफ मसाला जो है वो घुस गया है। अब इससे होगा क्या ना कि मसाला भीतर तक चला जाएगा, जब आप मीट खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे कुकर। कुकर में मैं यहाँ पे तेल डाल लिया हूँ, और इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद अब बारी है इसमें फ़ोरन की। फ़ोरन में लिया हूँ यहाँ पर तेज़पत्ता, सूखी मिर्च और एक पूरा खड़ा लहसुन। और लहसुन को पहले डाल के इसे थोड़ा सा हिला लीजिए। ध्यान रखिएगा लहसुन डालते समय उसमें ना थोड़ा थोड़ा चाकू से आप छेद कर लीजिएगा, नहीं तो लहसुन गर्म में ना वो तेल पड़ जाएगा फिर आपको, ठीक है, चटक के। तो इसलिए उसको चाकू से थोड़ा सा छेद कर लीजिएगा। तो ये फ़ौरन में डालने के बाद अब प्याज की बारी है। तो हम लोग इसमें प्याज डाल के अच्छे से प्याज को हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भुनेंगे। बस इसे इस तरह करके टॉस करते रहिए, ताकि धीरे धीरे ये पक जाए। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसे सीजने में। तो ये देखिए अब कलर जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है इसका, और फाइनली यहाँ पर 5 मिनट हो गया है, अब ये लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो हाँ, ये हमारा प्याज जो है वो रेडी हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो ये अच्छे से थोड़ा बन के तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा मत कर दीजिएगा, नहीं तो वो जला हुआ स्वाद आएगा थोड़ा सा।
बस अब बारी है, जो भी मैरिनेटेड मटन है हमारे पास वो सबको मैं इसमें डाल दूंगा। बस बहुत ही आसान रेसिपी है ये, आप ट्राई कीजिए। लेकिन स्वाद जो इसके बाद आता है ना, स्वाद इतना अच्छा, जितना मेहनत है उसके हिसाब से स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए अब इसमें हम लोग ना थोड़ा सा नमक डाल देंगे, स्वाद के अनुसार डालिएगा नमक आप। फिर नमक के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा और नमक यहाँ पर ले लेते हैं। फिर हम लोग इसमें हल्दी भी डाल देंगे, क्योंकि मैं मसाला जब मैरिनेट कर रहा था तो मैं हल्दी नहीं डाल पाया था वहाँ पर। आप मैरिनेशन में भी हल्दी को डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अब सब डाल दिए हैं। अब बस हमारा अब आगे का 10 मिनट का काम आपका ये है कि मीडियम से थोड़ा ऊपर आँच रखिए और इसे अच्छे से मिलाते रहिए, बस और कुछ नहीं। और अच्छे से मसाला को पकने दीजिए, ठीक है। ज़्यादा फुल मत रखिएगा नहीं तो नीचे सटने लगेगा। बस कुकर का ढक्कन उसके ऊपर मैं रख दिया हूँ, बंद नहीं करना है, बस उसके ऊपर रख देना है। ऊपर रख के थोड़े थोड़े देर के बाद हम लोग इसे मिलाते जाएंगे, चलाते जाएंगे। बस ध्यान रहे कि इसे आप रेगुलर इंटरवल पर चलाइएगा ताकि नीचे चिपके नहीं, है ना। तो बहुत ही अच्छे से पकता है ये मसाला। तो ये देखिए मैं वही प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए घर पे, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम समय लगता है इसे बनने में। लेकिन स्वाद इतना अच्छा आता है मैं आपको क्या बताऊँ। और अच्छे से पक जाएगा ये मटन में ना। हम लोग जब बाहर खाते हैं तो एक वो बहुत वो रहता है कि मटन अच्छे से पकता नहीं है। बहुत जगह मैं देखा हूँ मटन अच्छे से पकता नहीं है। मटन में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो मसाला अच्छा होना चाहिए उसमें और दूसरा कि वो अच्छे से पकना चाहिए, ना ज़्यादा गले ना कम। तो ये देखिए हर दो दो तीन तीन मिनट के बाद मैं इसे लगभग चलाते जा रहा हूँ ताकि नीचे चिपके नहीं और मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा, अब देखिए मसाला लगभग अब होने वाला है। हाँ मसाला लगभग हो गया है। तो अब इसे थोड़ा सा और हम लोग इसे रखेंगे इस तरह, और फिर जितना आपको क्वांटिटी पानी का चाहिए उतना पानी आप इसमें मिला दीजिए। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ठीक है। थोड़ा सा डालें फिर एक बार मिला के उसको देख लीजिए कि आपको और पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, कम चाहिए ज़्यादा चाहिए ग्रेवी। तो मुझे चावल के साथ खाना है तो मैं इसे थोड़ा सा जो है इसमें पानी ऐसा रखा हूँ सच दैट कि पूरा का पूरा मटन जो है लगभग उसे थोड़ा सा नीचे मैं रखा हूँ। बस अब कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए और मैं इसमें 5 सीटी मराऊंगा। 5 सीटी मोर देन इनफ है इसके अच्छे से पकने के लिए। ज़्यादा मत कीजिएगा नहीं तो ज़्यादा पक जाएगा तो अगेन अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो इसे 5 सीटी होने देते हैं। आप सभी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आगे जो भी मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंच पाए। अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सबको एक बार अच्छा मटन का आइडिया लग सके कि वो कैसा लगता है। तो ये देखिए मटन कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से कलर कितना अच्छा आया है इसमें। ये देखिए मैं बहुत ही मिनिमम मसाला में मैं इसको बनाया हूँ लेकिन स्वाद में आपको क्या बताऊँ, वो आप जब खाओगे तभी पता चलेगा। बट मुझे ये इतना अच्छा लगा है मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे मटन निकाल लेता हूँ और इसे मैं चावल के साथ खाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी को। धन्यवाद दोस्तों।